वेलकम टू मिथ बायोटेक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवोल्यूशन चैप्टर, जो कि हमारे सी एस आर नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उससे लिया गया है। ये यूनिट 11 में आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑरिजिन ऑफ लाइफ का। लाइफ हम लोग सॉरी लाइफ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारे दिमाग में है, सब कुछ सोचते रहते हैं कि लाइफ आखिर ओरिजिन कैसे हुआ था। ये पहले भी सोचते थे लोग, और पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडिया दिए, बहुत सारे थ्योरी दिए, थेसिस दिए, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि लाइफ कैसे आया था, ठीक है। द पॉइंट के अगर देखे तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अ साइंटिफिक प्रॉब्लम विच इज नॉट इट सॉल्व। There are plenty of ideas, but few clear facts. It is generally agreed that all life could evolve by a common descent from a single primitive life form. तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब जो सिंगल जो लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ वो सिंगल प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म से, यानी कि सिंगल सेल से हुआ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जब समय बीता तो उन्होंने एक थ्योरी देना स्टार्ट किया, उन्होंने प्रूव किया। तो उन्होंने थ्योरी दिया, द थ्योरी बिहाइंड बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज, फर्स्ट वन इज पैंस्पर्मिया। पैंस्पर्मिया थ्योरी में क्या था कि सीड जो है एवरीवेयर प्रेजेंट है ऑल ओवर यूनिवर्स, और वो एस्ट्रॉयड के थ्रू आता है और फिर भी टकराया होगा तो लाइफ का फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बोला था कि जब बारिश होती है तो उसके साथ मेढक यानी फ्रॉग पीसेस ये सब नीचे पृथ्वी पर आ गए। और दूसरा तीसरा था हमारा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो नॉन लिविंग थिंग से जो फॉर्मेशन हुआ है उसको डिसअप्रूव भी किए थे। और उसके बाद आता है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली अर्थ साइंस के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला से पैंस्पर्मिया, ठीक है। पैंस्पर्मिया मीन्स सीड्स इवोल्यूशन, ठीक है। पहला तो पॉइंट हमारा यही होगा कि जो पैंस्पर्मिया मीन्स होता है वो सीड्स होता है और वो जो है एवरीवेयर प्रेजेंट है। नाउ पैंस्पर्मिया हाइपोथेसिस स्टेट दैट द सीड ऑफ लाइफ इज इट ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सम बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस सीड्स। अब सब कुछ लोगों का मानना है कि जो पृथ्वी से आकर जो टकराया है एस्ट्रॉइड और उसमें जो बहुत सारे सीड्स जो प्रेजेंट है उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। जैसे समझने का ये पूरा हमारा यूनिवर्स है और ये हमारा सीड इसमें प्रेजेंट है। और ये क्या था ना, ये जो यूनिवर्स जो सीड था जो प्रेजेंट था वो एस्ट्रॉइड आगे पृथ्वी से टकराया और यहाँ से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। नाउ सेकंड आता है हमारा स्पॉन्टेनियस यूनिवर्स। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की अगर बात करें तो ये हमारे अरिस्टोटल सर ने दिया था, अरिस्टोटल प्रपोज एंड लेस ऑलमोस्ट 2006। आइडिया ऑफ लिविंग थिंग्स कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग, उन्होंने एक आइडिया दिया जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज होता है, ऑल्सो कॉल्ड ए बायोजेनेसिस लेटर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। इन्होंने उससे ए बायोजेनेसिस बोला क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उसे ए बायोजेनेसिस टर्म दिया गया और उसको बाद में स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जानते, ठीक है, पढ़ते हैं। ये हमारे एरिस्टोटल सर, एरिस्टोटल या फिर अरिस्टू भी कुछ बोलते हैं शायद, हम लोग एरिस्टोटल नहीं बोलते सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या था कि फॉर अ मच ऑफ हिस्ट्री पीपल बिलीव दैट एनिमल कूल कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। दे थॉट fog developed from falling drops of rains, mice arose from a sweaty underwear and piles arose from a decaying meats. This is called abiogenesis and also known as a spontaneous genesis. मतलब यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर फीस भी आ जाएंगे, या फिर ऊपर बारिश हो रही है तो उसके थ्रू फीस आएंगे, अगर यहाँ पर सड़ा हुआ मीट है तो यहाँ पर फ्लाई आ जाएंगे, अगर यहाँ पर कचड़ा है तो माउस आ जाएंगे, ऐसा मानना था इनका। चलो तीसरा देखते हैं अब हम लोग। तीसरा जो हमारा था वो बायोजेनेसिस। इसके पहले जो स्पॉन्टेनियस था वो क्या था, ये बायोजेनेसिस था क्योंकि नॉन लिविंग थिंग था ऐसा सोचना था, पर यहाँ पर बायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट आया बहुत दिनों ये
एक साइंटिस्ट आया आफ्टर एरिस्टोटल, तो इन्होंने क्या किया कि लुइस पाश्चर डिपोज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, अरस्तु की जो थ्योरी दिया हुआ था उनको, एरिस्टोटल का जो थ्योरी दिया हुआ था उनको डिसअप्रूव कर दिया। कैसे किए? लुइस पाश्चर डिवाइस द वे टू प्लांट दैट अलाउ ऑक्सीजन इन बट प्रिवेंट डस फ्रॉम इंटरिंग द ग्रोथ ग्रोथ डिड नॉट शो साइन ऑफ द लाइफ एंड ब्रोक ऑफ द नेक ऑफ द प्लांट अलाउइंग डस्ट एंड देयरफॉर माइक्रोब टू इंटर। इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिया और इनमें इसमें केमिकल कंपाउंड को जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह डाल दिए और इसको कवर कर दिया, और आफ्टर कुछ टाइम या फिर कुछ दिनों बाद जब देखे तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एयर भी बंद था, सब चीज़ बिल्कुल फुली टाइट था, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगा, नो ग्रोथ। ठीक है, अब सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने उसमें क्या किया कि सेम चीज़ जो ऐसा था बिल्कुल सेम कंडीशन बनाया, लेकिन इसका जो ऊपर का मॉड था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या हुआ कि एयर जो है इसके अंदर एंट्री हो गया, या फिर कुछ माइक्रो मोलिक्यूल्स, कुछ माइक्रो माइक्रोब्स वगैरह सब एंट्री हो गए, और यहाँ पर माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि कंटामिनेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब लैब में काम करते हैं ना, तो हर एक चीज़ को बिल्कुल टाइटली ढक के रखा जाता है, क्योंकि कंटामिनेशन ना हो। लुईस पाश्चर इसी चीज़ को प्रूव करके दिखाया है और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रॉन्ग साबित कर दिया। नाउ सेकंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है, पाश्चर डिमिस्ट्रेट द लाइफ अराइजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इनका जब इन्होंने प्रूव किया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, तो इन्होंने एक टर्म दिया जो लाइफ है वो पहले से ही प्रेजेंट है और उसी से आ रहा है। ठीक है, नाउ फोर्थ जो हमारा है केमिकल इवोल्यूशन। अगर केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो अर्ली अर्थ कंडीशन के बारे में हमें पहले जानना होगा कि अर्ली अर्थ कंडीशन कैसा था। अर्ली अर्थ कंडीशन की अगर देखा जाए तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लावा था, ठीक है, वेल्केनोस थे, ये सब आपस में टकरा रहे थे, इरप्शन हो रहा था, वेल्केनोस चल रहे थे, गैसेस थे प्रेजेंट बहुत सारे, मीथेन थे, इस सब की वजह से जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई था अर्थ का। नो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो था ही नहीं भाई, लाइट प्रजेंट थी। अर्ली अर्थ कंडीशन में देखा जाए तो कैसा था? अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इट्स बिलीव दैट द अर्थ फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर। 4.6 बिलियन ईयर अगर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो हाउ ड्यू टू द रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम बिग बैंग वेल्केनोस फ्रिक्शन फ्रॉम कूलिंग मेटेराइट्स ऑल इरप्शंस ऑफ वेल्केनोस मेड ऑल गैसेस प्रेजेंट CO2, N2, H2, CO2, मीथेन एंड अमोनिया। देखो ये गैस का नाम याद रख लेना, क्या कौन कौन से गैस प्रेजेंट होते थे अर्ली अर्थ में, तो CO2 था, N2 था, H2 था, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया प्रेजेंट थे। H2O भी प्रेजेंट था लेकिन वेपर्स के फॉर्म में, बिकॉज वहाँ पर हॉट ज़्यादा था तो नीचे आता था, फिर गर्म होकर ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आया, फिर गर्म होकर ऊपर चला गया, तो वेपर्स के फॉर्म में ही रह जाते थे, वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट। इस फिगर में भी देख रहे हैं, मीथेन यहाँ पर वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और ये सब ऊपर जा रहा है, फिर आगे नीचे यहाँ पर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन दिखा रहा है, प्रोटीन सिंगल टाइप प्रोटीन है। ठीक है, नौ एक यहाँ पर टर्म आता है प्रिमोर्डियल सूप। प्रिमोर्डियल सूप कैसे बना? यहाँ पर रेन हो गया हमारा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ले से हो गया, एटीएम एंड सनलाइट, ये सब चारों को मिला देंगे तो एक प्रिमोर्डियल सूप का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अब इस केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए, मिलर एंड सॉरी मिलर एंड ओरे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर बिल्कुल जो पहले अर्ली अर्थ का कंडीशन था वो बनाने की कोशिश की, बनाया भी उन्होंने, और जितने भी गैस प्रेजेंट थे सब डाला, थंडर हो रहा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज़ किया इन्होंने, वाटर वेपर दिया इन्होंने, यहाँ पर वाटर डाल के इसको हीट किया, यहाँ पर वाटर वेपर आ गया, CH2 मीथेन डाला है, H2 डाला, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज हुआ थंडर के लिए, और कंडेंसर कोल्ड वाटर इस तरह से डाला, और यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किया, तो सैंपल उन्होंने देखा वाकई में यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट।
तो मिलर और रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मिलर और रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर केमिकल के थ्रू ही मतलब सिंबल एबायोटिकली अराइवल हो सकता है लाइफ का। चलो पॉइंट देखते हैं। केमिकल एक्सपेरिमेंट दैट साइमल्टेनियसली द कंडीशन थॉट एट द टाइम टू रिप्रेजेंट ऑन द अर्लियर एंड टेस्टेड द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अंडर दोज कंडीशंस। एक्सपेरिमेंट स्टेबलिश दैट द अर्थ प्रिमिटिव एटमोसफियर वॉज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से फॉर्मेशन हुआ होगा पूरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का, ठीक है। क्रिएटेड अ क्लोज चैम्बर रिजेंबलिंग द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन CH2S2NH3 वेयर इंट्रोड्यूस इन द वाटर कंटेनिंग पास। बात में क्या गया, बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थ के जैसा कंडीशन इन्होंने बनाया और उसमें CH2S2NH3 वगैरह सब डालकर एक्सपेरिमेंट को रन करवाओ। द सैमल्ट द सन लाइटनिंग डिस्चार्ज सप्लाई द सिस्टम विथ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट से क्या किया, और समझते थे डिस्चार्ज को प्रोवाइड किया अंदर की तरफ। आफ्टर अ फ्यू डेज मिलर ऑब्जर्व्ड दैट द प्लांट्स कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम अमीनो एसिड दैट सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। उन्होंने देखा अरे यहाँ तो सब चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन वगैरह सब आ गया है हमारे पास। द मिलर रेवे एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड हाउ सम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज सिंपल अमीनो एसिड कुड हैव अराइजन ऑर्गेनिकली, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया इस तरह से भी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा सिंगल लाइफ से, ठीक है, एबायोटिकली। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम जो चैप्टर पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर कल पढ़ाऊंगा मैं। कल मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर।